तो हे गाइस, जिस वीडियो को तालिबान वॉचिंग मैच है, सो आज मैं आप सभी के सामने जो वीडियो लेके आऊँ, इस वीडियो को बनाने का मेरा बहुत ये मकसद है गाइस। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डिसपॉइंटिंग, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा, तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। जो मैंने अपना 26 जनवरी का वीडियो अपलोड किया हुआ था, इतनी मेहनत से भाई उस वीडियो को मैंने बनाया था। सुबह 5 बजे भोर सुबह सुबह के 5 बजे मैंने उठ के मतलब अपने दोस्त के साथ जाके वहाँ पे वीडियो बनाया। इतना ज़्यादा मतलब कंटेंट बनाने में मेहनत लगा था गाइस। तो वीडियो को यूट्यूब ने एक पल में यूट्यूब से गायब कर दिया। पहले तो उन्होंने रात में, मैंने चेक किया YT अपना स्टूडियो, तो वो वीडियो अच्छी, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी कर रही थी गाइस। पता नहीं किन्होंने क्या किया, रिपोर्ट मारे यार ने क्या किया भाई। मुश्किल से जो सेंसिबल सीन था वो हद से 25 सेकंड का होगा या फिर 20 सेकंड का होगा। अगर यूट्यूब चाहता तो वो वीडियो को वहाँ से मुझे क्रॉप करने का ऑप्शन दे सकता, लेकिन उन्होंने क्या किया गाइस, डायरेक्ट मुझे पहले एज रिस्ट्रिक्ट किया। चलो मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं, एज रिस्ट्रिक्शन है, मैं संभाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसा अर्निंग नहीं होगा। YouTube पे मैं पैसे के लिए आया हूँ, बट इतना भी ज़्यादा पैसा नहीं देता YouTube की मतलब वो वीडियो इतना भी मतलब पैसा ना बने। मुझे बस चाहिए था व्यूज़ लोगों का, जो अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा था वीडियो में और सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे गेन हो रहे थे। तो एक यूट्यूबर का क्या मकसद होता है गाइस कि हाँ अच्छे सब्सक्राइबर आए, व्यूज़ आए, पैसा इंडियन मार्केट में उतना ज़्यादा भी नहीं जितना आप लोग सोचते हो। हद से मतलब 60,000 व्यूज़ तो मुझे आप लोग को विश्वास कीजिए $6 से $7 बने रहे थे। इतना भी ज़्यादा पैसा नहीं बन गया था कि मुझे मतलब पैसों का ये वो लालच हो कि हाँ अब पैसा ना बनता, पैसा नहीं है गाइस। उससे ज़्यादा मैं अपने काम से कमा लेता हूँ यूट्यूब से ज़्यादा, लेकिन यूट्यूब को ऐसा मैं पैशन करता हूँ। मुझे मोटो ब्लॉगिंग का शौक है, मुझे बाइकिंग का पैशन है, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, एक जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर होता है उसे ही पता रहता है। और यूट्यूब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसमें मतलब जो थोड़ा सा सीन है उसे मैं काट भी सकता था, या फिर यूट्यूब अगर मुझे ऑप्शन देता तो मैं उस वीडियो को वहाँ से क्रॉप करके हटा सकता था। ऐसे मेरा वीडियो को रिमूव नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो चुका हूँ। एक वीडियो मेरी इतनी मेहनत से वायरल हुई थी गाइज मोटो ब्लॉगिंग की, उसमें भी यूट्यूब ने ऐसा किया। तो मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ यही कि आप लोग प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और क्या ही कर सकते हैं, वो वीडियो तो चला गया, वो तो आने वाला है नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिल से यार गंदा लग रहा है मुझे, क्या कर सकते हैं गाइज यूट्यूब पे, ताकि मुझे मतलब प्यार मिल सके आप लोग का, और वही मुझे चाहिए होगी प्यार आप लोग से। तो आप लोग, मैं अब तो कुछ भी किया जा नहीं सकता यूट्यूब की तरफ से, जो यूट्यूब मतलब ये फैसला ले लिया अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, अब मेरी वीडियो वापस नहीं आ सकती। तो गाइज आप लोग को मैं यही बोलूँगा, जो मेरी वीडियोज़ आएंगी उस पर अपना प्यार दिखाइए, आप लोग के प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे, आपके सपोर्ट से और प्यार से मैं आगे बढ़ूँगा। तो वीडियो यहीं तक थी, मैं और भी स्क्रीनशॉट जितने में डाल दूँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना गाइज, और कमेंट में ज़रूर बताना अपना राय देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको ये YouTube ने जो किया है कैसा मतलब सही किया या फिर गलत किया, अपना मशवरा राय ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू गाइज़।